रामचरण की इंसानियत। एक गांव में एक अत्यंत ही नेक दिल पुरुष रहते थे जिनका नाम था रामचरण। वो ईश्वर के सच्चे भक्त थे और रोज ही ईश्वर की भक्ति करते। कभी किसी का बुरा ना सोचना, सबसे अच्छे से बात करना, हमेशा सबकी मदद करना, यहाँ तक कि इनसे किसी की भी तकलीफ नहीं देखी जाती थी। इसी कारण गांव में सब उनका सम्मान करते थे। एक दिन की बात है, जब वो हमेशा की तरह सुबह मंदिर से लौट रहे थे, तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी, बचाओ बचाओ। रामचरण जी ने अपने चारों तरफ देखा, पर उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। तब उन्होंने आवाज लगाई, कौन है, कौन है वहाँ, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? तब सामने से आवाज आई, मैं यहाँ हूँ नदी के पास। रामचरण जी दौड़ कर नदी के पास पहुँचे। वहाँ चारों तरफ देखने पर भी उन्हें कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने फिर आवाज लगाई, कौन है, देखो मैं यहाँ आ गया हूँ तुम्हारी मदद करने के लिए, पर तुम मुझे दिख ही नहीं रहे। तब पानी में डूब रहे एक केकड़े ने आवाज लगाई, मैं यहाँ पानी के बीच पत्थरों में फंसा हुआ हूँ, मेरा एक पैर यहाँ अटक गया है और मैं यहाँ से कहीं नहीं जा पा रहा हूँ। ऐसे में अगर मैं यहाँ पानी में फंसा रहा तो मैं मर भी सकता हूँ, कृपया करके मुझे बचाओ। अरे नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं आ गया हूँ, मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा। ऐसा बोलकर रामचरण जी ने बिना कुछ सोचे उस केकड़े की जान बचाने के लिए नदी में हाथ डाल दिया और उस केकड़े को पकड़ के बाहर निकालने की कोशिश की, पर उस केकड़े ने रामचरण जी को डंक मार दिया। केकड़े ने उनके हाथ को बहुत जोरों से पकड़ लिया, इसकी वजह से रामचरण जी को डंक लग गया और रामचरण जी ने अपने हाथ को जोर से खींच लिया। आह, तुमने तो मुझे डंक मार दिया, माफ करना, ऐसा अब दोबारा नहीं होगा, कृपया मदद करो, मुझे बचाओ। रामचरण जी को फिर उस पर दया आ गई। उन्होंने फिर अपना हाथ बढ़ाकर केकड़े को पानी से बाहर निकालने की कोशिश की। केकड़े ने फिर उन्हें डंक मार दिया और रामचरण जी ने फिर हाथ खींचा और केकड़ा फिर से पानी में ही फंसा रह गया। यही सिलसिला एक बार फिर चला, लेकिन इस बार रामचरण जी ने सोचा, मुझे कोई और ही उपाय सोचना होगा, वरना मैं इस केकड़े की मदद नहीं कर पाऊंगा। अचानक से रामचरण जी की आंखों में चमक आ गई। अरे वाह, ये अच्छा विचार है, बोलकर रामचरण जी जंगल की तरफ गए और एक पत्ता और एक लंबी डंडी लेकर आए। डंडे को आगे बढ़ाते हुए, ये लो, तुम इस डंडे को जोर से पकड़ लो। ऐसा बोलकर रामचरण जी ने वो डंडा केकड़े की तरफ बढ़ाया। ऐसे में तो मैं बाहर आकर भी पानी के तेज बहाव में बह जाऊंगा। अरे भरोसा रखो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ठीक है, तुम कहते हो तो। ये बोलकर केकड़ा अपने एक हाथ से डंडे को जोर से पकड़ लेता है। अब रामचरण जी उस डंडे को धीरे धीरे उठाते हैं, जिससे उस केकड़े का दूसरा पैर पत्थर से बाहर आ जाता है। अब रामचरण जी पत्ते को केकड़े की तरफ बढ़ाते हुए, लो अब इस पत्ते पर धीरे से बैठ जाओ, ताकि मैं तुम्हें नदी की दूसरी तरफ पहुंचा सकूं। ठीक है। केकड़ा डरते डरते पत्ते पर धीरे धीरे बैठ जाता है। अब रामचरण जी डंडे की सहायता से उस पत्ते को नदी की दूसरी तरफ धकेल देते हैं और केकड़ा नदी के दूसरी तरफ सुरक्षित पत्ते से नीचे उतर जाता है और उसकी जिंदगी बच जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र, आपका ये एहसान मैं हमेशा याद रखूंगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। अब रामचरण जी भी खुशी खुशी अपने घर की तरफ जाने के लिए मुड़ते हैं। ये सब घटना वहीं पेड़ पर बैठा एक बंदर देख रहा था। उससे रहा नहीं जाता है और वो रामचरण जी से पूछ बैठता है,
अरे मित्र, जब वो केकड़ा तुम्हें बार बार डंक मारे जा रहा था, उसने ये भी नहीं सोचा कि तुम उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहे हो, तो फिर तुमने उसे बचाया ही क्यों? उसे डूबता हुआ ही छोड़ क्यों नहीं दिया? रामचरण जी मुस्कुराते हुए, मित्र, जिंदगी में हमें हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। अब इस केकड़े को ही देख लो, तुमने उसे डंक मारते तो देखा, पर तुम वो नहीं देख पाए जो मैंने देखा। आज उस केकड़े ने मुझे जीवन की बहुत बड़ी बात सिखा दी। तुम क्या कहना चाह रहे हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, जरा साफ शब्दों में बताओ ना। जरूर, मेरे कहने का मतलब ये है कि केकड़े का स्वभाव ही होता है डंक मारना, इसलिए इतने मुश्किल समय में भी केकड़े ने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा। वे मुझसे भले ही खुद को बचाने के लिए बोल रहा था, पर मैं जैसे ही उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाता था, वो मुझे डंक मार देता था। हाँ तो ये कि जब वो केकड़ा होकर अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता, तो फिर मैं तो इंसान हूँ ना, मैं केकड़े की वजह से अपना स्वभाव कैसे छोड़ सकता हूँ? लोगों की मदद करना मेरे स्वभाव में है, मुझसे किसी का दर्द देखा नहीं जाता, इसलिए मैं केकड़े की मदद कर रहा था। भले मुझे थोड़ा दर्द सहना पड़ा, पर उसकी मदद करके मुझे बहुत खुशी मिली है। इस तरह ना उसने अपना स्वभाव छोड़ा और ना ही मैंने, और देखो वह सही सलामत बाहर आ गया। शिक्षा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। सामने वाला जैसा भी हो, उसके कारण हमें अपना स्वभाव नहीं बदलना चाहिए। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।